नमस्कार। एक स्पेशल रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पे एक छोटी खबर देता हूँ कि अभी तक मुजफ्फरपुर की क्या हाल है, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के क्या हालात हैं। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, छोटी सी जानकारी है। फिलहाल मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की शुरुआत होने की दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ अभी तत्काल कोविड केयर सेंटर चल रहा है। 500 बेड का कोविड केयर सेंटर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कोरोना अभी जाने वाला नहीं है। कितने दिनों तक कोरोना रहेगा, उतने दिनों तक कोविड केयर सेंटर भी रहेगा। आर्मी के डॉक्टरों द्वारा बनाया गया ये कोविड केयर सेंटर है। आइए देखते हैं अभी क्या हालात हैं पता ही एयरपोर्ट के। कुछ दिनों पहले की एक वीडियो दिखाता हूँ और कुछ समाचार भी देता हूँ। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, जी हाँ, इसे पता ही हवाई अड्डा भी कहते हैं, जैसा कि जगह के नाम से है। फिलहाल कोविड केयर सेंटर के लिए जाना जा रहा है। यहाँ 500 बेड की कोविड केयर सेंटर है। यहाँ बड़े बड़े अधिकारी अभी आते और जाते रहते हैं। विमान सेवा शुरू करने के लिए वादे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन हर बार उन वादों की लैंडिंग हो जाती है इस पताही एयरपोर्ट पे। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक चुनावी सभा का आयोजन किया था यहाँ, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ से विमान सेवा शुरू की जाएगी, जिसके बाद लोगों ने उम्मीद बांध रखी थी। फिर से चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में फिर से ये मांग तेज़ी से बढ़ने लगी है कि दरभंगा से जब उड़ानें शुरू हो सकती है तो मुजफ्फरपुर से क्यों नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 8 नवंबर से दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। 3 जोड़ी स्पाइसजेट की उड़ानें बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली से होंगी। प्रत्येक दिन एक विमान आएगा और एक विमान जाएगा स्पाइसजेट का ही। तो मुजफ्फरपुर से क्यों नहीं शुरू हो सकती है। मुजफ्फरपुर में आश्वासन तो बहुत मिले हैं, यहाँ तक कि छोटे विमान जैसे कि 24 सीटर और 60 सीटर होते हैं, उनकी भी शुरुआत होने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं नज़र आ रही है। मुजफ्फरपुर रनवे की लंबाई अभी लगभग 1300 से 1400 मीटर है, जबकि एक छोटे विमान के लिए भी 1800 से 2000 मीटर के रनवे होने की ज़रूरत होती है। 24 सीटर या 60 सीटर विमान भी इतने में नहीं आ सकता है, और रनवे को बढ़ाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और आसपास ज़मीन मिलने की गुंजाइश नहीं बन रही है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के नहीं बनने में ये भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है। मुजफ्फरपुर के पास जैन धर्म और बुद्ध धर्म के मानने वालों के लिए भी तीर्थस्थल है। मुजफ्फरपुर जुड़ जाता तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी मुजफ्फरपुर आते और सभी बुद्धा सर्किट से जुड़ जाते। ऐसे में मुजफ्फरपुर का विकास होता, बिहार का भी विकास होता। उम्मीद पे दुनिया कायम है और मुजफ्फरपुर के लोगों को भी उम्मीद रखनी चाहिए कि मुजफ्फरपुर से एक दिन उड़ानें शुरू होंगी और मुजफ्फरपुर का विकास होगा। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे के आसपास के लोगों का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। इस तरह की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अपना ख्याल रखें।